स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस सेकंड, उसका जो पार्ट 3 है वो पढ़ेंगे। हमने उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा है कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो वांडा पेट्रॉन्स की है, उसके फादर एक लेटर लिखकर बताते हैं कि अब वो कभी भी उस स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आएगी, ना ही उसका भाई आएगा, और वो कॉन्टेस्ट जीतती है, जो ड्राइंग का कॉन्टेस्ट होता है उसको वह जीतती है। उसके बाद में जो मैडी और पैगी हैं वो उसको ढूंढने के लिए उसके घर तक जाती हैं, उसको देखकर उनको उसकी ड्रेस वगैरह सब उसकी याद आती है, वो उससे उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी वांडा से। और वो जब वहाँ जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो ठीक है, अब हम इसका आगे का पार्ट पढ़ते हैं। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter. The kind they would have written to any good friends, and they signed it with lots of thanks for love. They mailed the letter to Boggins Height, writing please forward on the envelope. अब इसके जो थर्ड पार्ट में क्या बताया गया है कि जो सैटरडे है शनिवार को मैडी ने दोपहर का जो समय है वो पूरा पैगी के साथ बिताया। वे वांडा पेट्रोंस्की को एक लेटर लिख रही थी। यह एक फ्रेंडली लेटर था, दोस्ताना लेटर था, जिसमें प्रतियोगिता के बारे में बताया गया था, जो कॉन्टेस्ट था ना उसके बारे में बताया था। और उस लेटर में उन्होंने वांडा को बताया कि वह जीत गई है, और यह भी बताया कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो कितनी सुंदर थी। उन्होंने लेटर में उससे पूछा कि वह जहाँ रह रही है वह जगह उसे पसंद है कि नहीं, उसे उसके नए टीचर्स पसंद हैं, यह सब उन्होंने उस लेटर में लिखा। वे सब कैसे हैं ये सब उसने पूछा। इन सब बातों से उनका मतलब था कि वे उससे खेद यानी कि जो सॉरी है वो व्यक्त कर रहे थे, लेकिन यह उनके फ्रेंडली लेटर लिखने के साथ समाप्त हो गया। मतलब उन्होंने जैसे ही फ्रेंडली लेटर लिखा उस बात से ये बारीक बात जो है वो समाप्त हो गई। क्या समाप्त हो गई? लेटर उनका जो है वो समाप्त हो गया, जिस तरह से उन्होंने किसी अच्छे दोस्त को लिखा होगा, जैसे हम फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं बिल्कुल अच्छे फ्रेंड्स को, ऐसे ही उन्होंने वो लेटर लिखा था। और उन्होंने उसे बहुत सारा धन्यवाद दिया उसके प्यार के लिए जो पांडा ने उनको दिया था, ऐसा उनका कहना था। और उसके बाद उन्होंने उस लेटर के एंड में अपने साइन किए और लेटर को जो बॉगिन हाइट्स में मेल कर दिया, और लिफाफे पर उन्होंने क्या लिख दिया, प्लीज़ फॉरवर्ड। मतलब कि अगर जहाँ ये लेटर भेजा जा रहा है वो अगर वहाँ नहीं है तो वो अब जिस भी पते पर है वहाँ पर ये लेटर को पहुँचा दिया जाए। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर। अब यहाँ पर क्या है, दिन बीतते गए और कोई जवाब नहीं आया, और जो लेटर था वो भी वापस नहीं आया। तो वो लोग सोचते हैं कि वो लेटर वांडा को मिल गया होगा, उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन आप उस वो जो है वो शायद इतने गुस्से में थी, उस वो इतनी आहत थी, इतनी हर्ट थी कि वह जवाब नहीं दे रही थी, ऐसा वो जो पैगी और मैडी हैं वो सोचती हैं। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि इसके लिए वो उसको दोष नहीं दे सकती। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मैनी ड्रेसेज यू हैव गॉट यू हैव गॉट एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टूगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी वुड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील। जो मतलब पूरे हफ्ते बीत गए और वांडा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। पैगी इस पूरे मामले को भूलने लगी थी
और जो मैडी थी वो सोने लगी थी, उसको नींद आने लगी थी क्योंकि उसको पहले नींद नहीं आ पाती थी, वो सो नहीं पाती थी। तो वो जो वांडा है उसकी बातों को याद करने लगी। अभी भी सोते वक्त वो मन ही मन वांडा से बात करती थी, मतलब ऐसा वो इमेजिन करती थी। उसे लगता था कि वह वांडा को लड़कियों से की भीड़ से बचा रही है जो उसको चिढ़ा रही हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। और वो यह भी इमेजिन करती है कि उसके जो वांडा है उसके वो अपने होठों को दबाकर जवाब देने की कोशिश कर रही है, उससे पहले ही मैडी कहती है रुको, और जो दूसरी लड़कियां हैं वे सब अपने किए पर शर्मिंदा हो जाती हैं। ऐसा सब इमेजिन कर रही है। कौन इमेजिन कर रही है? मैडी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव दैट मॉर्निंग। अब क्या होता है, क्रिसमस का समय था, दिन बीतने मतलब अब जो दिन बीतते गए और उसके बाद क्रिसमस का समय आ जाता है और जो ग्राउंड है उस पर स्नो पूरी स्नो स्नो हो जाती है, थोड़ी बर्फ गिर जाती है। और क्लास को जो उनकी क्लास रहती है उसको डेकोरेट किया गया था क्रिसमस बेल्स से और छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज से। अब यह स्कूल का आखिरी दिन था छुट्टियां लगने से पहले का, मतलब जो ठंड की छुट्टियां लगती है ना उससे पहले का। टीचर ने उन्हें एक जो है लेटर दिखाया जो उन्हें सुबह ही मिला था, जो उनकी जो रूम नंबर 13 की जो टीचर थी मिस मैसन, उन्होंने एक लेटर दिखाया जो उनको सुबह ही मिला था। यू रिमेम्बर वांडा पेट्रॉन्स की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वेल शी हैज़ रिटर्न मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी वॉज बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। आई वॉन्ट टू रीड द लेटर फॉर यू। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। अब यहाँ पर जो टीचर हैं वो कहती हैं सारे बच्चों से जो क्लास के हैं कि तुम्हें याद है वांडा पेट्रॉन्स की, एक छोटी कलाकार जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, उसने मुझे लेटर लिखा है और मुझे खुशी है यह जानकर कि वह कहाँ रहती है। अब मैं उसे उसका मेडल जो उसने जीता था वहाँ भेज सकती हूँ। मैं तुम लोगों को यह लेटर पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। पूरी क्लास जो है वो अपनी जगह पर बैठ गई और इंटरेस्ट वो सब लोग इंटरेस्टेड थे यह सुनने के लिए कि लेटर में क्या लिखा है। तो यहाँ पर लेटर दिया गया है, डियर मिस मैसन। तो लेटर की स्टार्टिंग जो वांडा है उसने कहाँ से की थी? डियर मिस मैसन से। हाउ आर यू एंड रूम 13, प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज ड्रेस 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस कैन कीप इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 new ones ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विथ द रेड ट्रिमिंग्स एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन फॉर क्रिसमस। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योअर्स ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स की। अब यहाँ पर डियर मिस मैसन करके लिखती है कि आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 में सब कैसे हैं। वह कहती है कि आप उन लड़कियों को कहिएगा कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं वे अपने पास रखें क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और नए 100 ड्रेसेस हैं जो कि मेरी अलमारी में बिल्कुल लाइन से कतारबद्ध रखे हुए हैं। वह लिखती है कि जो ग्रीन ड्रेस जिसमें रेड ट्रिमिंग्स लगे हैं वह पेगी को दे दीजिएगा, उससे कहिएगा कि वह उसको रख ले, और उसकी जो फ्रेंड मैडी है उसको ब्लू वाली रखने के लिए कहिएगा। क्रिसमस के समय में मैं उस स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे उस स्कूल की बहुत याद आ रही है, ऐसा वह बोलती है। और वह बोलती है कि मेरी जो नई टीचर हैं वह आपके जैसी नहीं है। इतना लिख कर वह कहती है आप को और बाकी सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस वो बोलती है। फिर वो नीचे एंड करती है लेटर का, ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स की करके, ठीक है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। ऑल द हाउसेस हैड फ्रिथ एंड होली इन द विंडोज। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नोकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग
द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड द लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। आप घर जाते समय मैडी और पैगी जो है अपनी ड्राइंग्स को संभाल कर ले जाती हैं। जब वे जा रही होती हैं तो रास्ते में देखती हैं कि सभी घरों की जो खिड़कियों में वृत्त मतलब जो गोल फूलों का गुलदस्ता होता है और जो होली यानी कि डार्क ग्रीन पेड़ जिस पर रेड चेरी जैसे फ्रूट्स होते हैं उससे सजाया गया था, जो ग्रोसरी जो किराने की दुकानों के बाहर 100 क्रिसमस ट्रीज थे और खिड़की में पेपरमिंट की जो कैंडी स्टिक्स होती हैं वो लगी हुई थी और कॉर्नकोपियस जो डेकोरेटिव कंटेनर होते हैं जो फ्लावर्स और फ्रूट्स के थे लगे हुए थे जो ट्रांस पेपर में लपेट कर लाइन से टांगे हुए थे। हवा में वातावरण में क्रिसमस की जो खुशबू थी वो फैली हुई थी और जो लाइट का रिफ्लेक्शन था स्नो पर अलग अलग रंग का पड़ रहा था। बॉय सेड पैगी दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट एंड दैट्स दैट। अब जो बॉय यहाँ पर है, बॉय यानी यहाँ पर लड़का नहीं होता, बॉय एक एक्सप्रेशन वर्ड है, जॉय का एक्सप्रेशन जिसको कह सकते हैं हम। तो पैगी कहती है उस एक्सप्रेशन में आकर कि उसने हमें जो ड्राइंग्स दी हैं इससे पता चलता है कि उसे हमारा लेटर मिल गया है मतलब मिल चुका है और यह उसका तरीका है यह बताने का कि अब सब कुछ ठीक है, बस यही वो हमको बताना चाह रही है। आई होप सो सैड मैडी सैडली शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। मैडी जो है वो थोड़ा दुखी होकर कहती है कि मुझे भी यही उम्मीद है। वह दुखी इसलिए होती है क्योंकि वह जानती थी कि अब वह उससे वापस कभी नहीं मिल पाएगी, किससे, जो पॉलिश गर्ल वैंडर थी उससे, और कभी उनके बीच में सही नहीं हो पाएगा सब कुछ, ऐसा वो सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है। शी वेंट होम एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनी वे। अब जो मैडी है वह घर जाती है और अपने बेडरूम में जो पहले से उसके बेडरूम में एक पहले से वॉलपेपर लगा हुआ था जिसका कोना फटा हुआ था वहाँ पर वो उस पेंटिंग को चिपका देती है। वो जो मैडी को उसने दी थी, किसने दी थी, वांडा ने, उस पेंटिंग को वो वहाँ पर चिपका देती है। जो मैडी का कमरा था वो भी ख़राब था क्योंकि वह भी एक गरीब लड़की थी तो उसकी पेंटिंग के जो चमचमाते कलर से उसका रूम भी चमचमाने लगा था, बिल्कुल चमकने लग गया था। मैडी अपने बेड पर बैठती है और उस ड्राइंग को देखती है। वह सोचती है कि वह दर्शक बनकर खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली, मतलब जब भी उसको वांडा को लोग चिढ़ा रहे होते हैं तब वह वहाँ पर सिर्फ दर्शक बनकर खड़ी रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, ऐसा वो सोचती है उस ड्राइंग को देखते हुए कि वह पर वांडा ने उसके लिए अच्छा सोचा और अच्छा फील किया। और वह यह भी सोचती है कि जो वांडा है उसने उसके लिए अच्छा सोचा और अच्छा फील किया। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर देन हैस्टीली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्रॉइंग बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy's. अब जो पिक्चर रहती है उसको वो देखती है बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखती है और वह यह सब सोच रही होती है तो उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह जल्दी से अपनी आँखें पोंछती है और वापस उस पिक्चर को ध्यान से देखने लगती है। उस ड्राइंग के कलर इतने डिफरेंट थे कि उस मतलब इतने आकर्षक, उतने डिफरेंट थे, विविड थे
कि उसे ड्राइंग में मतलब उसने उसका चेहरा ही नहीं देखा था। जब उसने उसका ड्राइंग का फेस देखा, उसका हेड देखा, तो पाया कि वो पेंटिंग में जो चेहरा है वो उसी के जैसा है, मतलब कि मैडी जैसा है। ऐसा लग रहा था कि उसका खुद का मुंह है, उसको एकदम उसका चेहरा लगा। फिर वह सोचती है कि क्या वास्तव में वांडा ने यह उसके लिए ही बनाया था। वह दौड़कर पैगी के घर जाती है। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। वो पैगी से बोलती है कि पैग, मुझे तुम्हारी जो पिक्चर है वो दिखाओ। व्हाट्स द मैटर्स, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू द रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वॉज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। क्लैटर्ड का मतलब होता है जो पैरों की टक टक आवाज़ होती है ना, वो। तो जो पैगी है वह बोलती है कि क्या बात है। वे दोनों दौड़कर पैगी के रूम में जाती हैं, जहाँ वांडा की ड्राइंग उल्टी रखी हुई थी उसके बेड के ऊपर। मैडी उसे ध्यान से बहुत संभाल कर उठाती है। लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। वह कहती है, देखो उसने तुम्हें बनाया है। चेहरा और हेड देखने से लग रहा था कि वह पैगी की ही पिक्चर है, मतलब उसने पैगी को ही ड्रॉ वहां पर किया है। वॉट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनी वे। पैगी कहती है कि मैंने क्या कहा था कि कुछ भी हो वह हमें पसंद करती है। यस शी मस्ट हैव, एग्रीड मैडी, एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट कम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। अब जो मैडी है वो कहती है, हाँ पक्का हम उसे पसंद हैं। मैडी जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं हर बार जब वह वांडा के बारे में सोचती है कि वह स्कूल के जो सनी स्पॉट है, धूप है, जहाँ पर वहाँ पर खड़ी है। ये वो इमेजिनेशन करती है कि मैडी और जो मैडी है वो खड़ी है और खड़ी खड़ी उन लड़कियों को देख रही है जो उस पर हंस रही हैं। मतलब जब वह कहती है कि श्योर उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वह सब लाइन से रखी हैं, उतना कहकर जब वो जा रही होती है तो वो सारी लड़कियां उसकी हंसी उड़ाती हैं, ऐसा वह बोलती है। जो स्टॉलिडली है उसका मतलब होता है विदाउट एनी फीलिंग, मतलब बिना किसी फीलिंग के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी 100 चैप्टर 6 100 ड्रेसेस पार्ट 2 था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।